में दूसरे के घरों में ताक झाक करने वाले जरा अपने यहाँ व्यवस्थित करके रख लें, कहीं उनके खिड़की से दो चार दस लोग कहीं इधर उधर न चले जाए। श्याम रजक आरजेडी कार्यालय आते आते बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगा दिया और वो आरोप लालू से किडनी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड पड़ता है उसमें जिस तरीके से बीजेपी खेल करती है यह कभी शोभनीय नहीं है। बिहार की जनता तमाम घटनाओं को देख रही है और बीजेपी किस तरीके से ईडी और सीबीआई की यूज करती है और किस तरीके से लालू को परेशान करने का काम किया जाता है। इस परेशानी में लालू की किडनी खराब करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो बीजेपी का है। छटक कर करके ये हमारी संस्कृति है समाजवादियों का, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। लालू यादव को जितनी परेशानी करने का काम किया किडनी तक डैमेज हो गया। इस देश में तीन ही लोगों का किडनी खराब किया, एक अंग्रेजों से लड़ कर करके लोकनायक जयप्रकाश जी का किडनी खराब हुआ, दूसरा किसानों के सवाल पर लड़ाई लड़ कर कर करके बीपी सिंह का किडनी खराब हुआ, और तीसरा इस राज के और गरीबों के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ कर करके उनके जवान देने के काम में जब लालू यादव आगे बढ़े तो उनको भी संपन्नवादियों ने साजिश कर कर करके उनका भी किडनी खराब करने का काम किया। लेकिन न लोकनायक जयप्रकाश बदले, न बीपी सिंह बदले, न लालू यादव बदलेंगे। हमारा संस्कार है और इस संस्कार पर किसी तरह का लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे और हमारे घरों में ताक झाक करते रहें, उनके ही घरों से कहीं छटक कर। तमाम मुद्दों पर श्याम रजक ने कहा, लेकिन चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा। चिराग पासवान पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले अपने विधायकों को समझा ले और कमरे में बंद कर ले, किसी को ताक झाक करने का अधिकार नहीं है। सब अपने पार्टी के विधायकों को बुलाते हैं क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, जिसको लेकर वह कवायदे चालू है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान संभालने को नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो दो नाव पे सवार हैं, कब उनकी नैया डूबेगी ये आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लालू को परेशान करना और बीजेपी पर निशाना साधना कहीं ना कहीं श्याम रजक एक संकेत देते हुए नजर आए हैं और उस संकेत में साफ तौर से देख रहा है कि आज आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा बिहार से साफ होने जा रहा है।